हेलो वेलकम दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, मतलब चैप्टर, दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी में सबसे पहला जो चीज आता है, टर्म आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी होता क्या है? मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम लोग कैसे स्क्रैप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स सोर्स ऑफ मेटल विच इज प्रेजेंट एट द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे, मतलब अर्थ है ये, उसके क्रस्ट पे जो मेटल्स प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलते हैं? मिनरल्स। सोर्स ऑफ मेटल्स, वो मेटल्स के सोर्स हो, वो मेटल्स के क्या हो? सोर्स हो। विच इज प्रेजेंट एट अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट हो। और क्या होते हैं? देखिए, और जो होता है बेसिकली हम लोग 9th-10th में नाम सुन लेते हैं, लेकिन इसका तो अच्छे वर्जन में अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। और क्या होते हैं? और आर डिफाइंड एज मिनरल दैट कंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट। कोई एक सर्टेन एलिमेंट है, उसका जो कंसेंट्रेशन होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। और क्या होते हैं? ओर्स आर डिफाइंड एज मिनरल्स। ओर्स क्या होते हैं? डिफाइंड एज मिनरल्स दैट कंटेन हायर कंसेंट्रेशन। एक ओर है, मतलब एक एलिमेंट, उसका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, उसका कंसेंट्रेशन क्या हो? बहुत ज्यादा हो। ओर्स आर डिफाइंड एज मिनरल दैट कंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओर की। ओर के टाइप्स कितने होते हैं? ओर्स के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है नेटिव, और इसको बोल देते हैं हम लोग फ्री फॉर्म, फ्री ओर, नेटिव हो गया। दूसरा हमारे पास है कंबाइंड। देखिए, नेटिव जो होते हैं ना, वो बेसिकली अपना जो रिएक्टिविटी, मेनली समझिए, नेटिव और फ्री। फ्री मतलब की फ्री ह्यूमन, भाई फ्री ह्यूमन। फ्री मतलब की सबसे अलग, मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, ऐसे एलिमेंट जी वो क्या होते हैं? रिएक्ट ही नहीं करते हैं, भाई वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो वो क्या होते हैं? इसके एग्जांपल हो जाएंगे एयू। एयू मतलब गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड, पीटी मतलब प्लैटिनम, एजी मतलब सिल्वर। आपको ये ध्यान होगा, थोड़ा सा आप अपने 9th-10th की बातों पर ध्यान करिएगा, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ध्यान करिएगा। उसमें हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर क्या होते हैं? लोअर सीरीज में आते हैं। क्या होता है? लोअर सीरीज में आते हैं, नीचे वाले सीरीज में आते हैं। मतलब कि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। और ऐसे भी क्या है? फ्री नेटिव ओर, फ्री और नेटिव ओर। अब दूसरे बात में बात करते हैं कंबाइंड ओर के बारे में। कंबाइंड ओर में आया एग्जाम्पल सल्फेट। सल्फेट मतलब SO4-2, सल्फाइड H2- नाइट्रेट NO3- ऑक्साइड O-2। देखिए, कंबाइंड ओर, कंबाइंड मतलब कि ये दूसरे से कंबाइंड होगा। यदि SO4-2 है वो ZnSO4 से होगा, और या फिर ऑक्साइड है CO2 CO2 की तरह हो सकता है। मतलब ये क्या, ये तो CO2 की एग्जांपल ले लिया मैंने, जो कि जैसे कि अगला एग्जांपल मैं ले सकता हूं ZnO के जैसे। मतलब ये क्या होते हैं? कंबाइंड ओर होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइंड ओर होते हैं, फ्री और नेटिव ओर होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ओर हो गए। टाइप्स कितने हैं? दो तरह के ओर होते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ऑल मिनरल्स आर नॉट द ओर। जितने भी मिनरल होते हैं ना, वो ओर नहीं होते भैया। जितने भी मिनरल होते हैं ना, ओर नहीं होते हैं। बिकॉज, कारण क्या है भैया, कारण क्या है? सब मिनरल्स आर अनवांटेड सब्सटेंस। कुछ मिनरल जो होते हैं भैया अनवांटेड होते हैं। ये अनवांटेड मतलब ये फालतू के होते हैं, फालतू के। बट ऑल ओर्स आर मिनरल, लेकिन सारे ओर होंगे ना वो मिनरल होंगे। सारे ओर क्या होंगे? मिनरल होंगे। इसका कारण समझते हैं, कारण क्या है? ओर्स, हम लोगों ने पढ़ा क्या था? ओर्स आर डिफाइंड एज मिनरल दैट कंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट का हायर कंसेंट्रेशन हो। और भैया, एलिमेंट का हायर कंसेंट्रेशन होगा तो क्या होगा? वो मिनरल ही तो होगा। बात समझ में आई? बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। सारे ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो टर्म है जो कि पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होता है, मतलब मिनरल फिजिकल वाले में इस्तेमाल होता है।
फिजिकल सेपरेशन वाला इस्तेमाल होता है, वो है गोंज और मैट्रिक्स। गोंज और मैट्रिक्स, गोंज और मैट्रिक्स क्या होते हैं? अनडिजायर्ड और यूजलेस इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन दी ओर। अनडिजायर्ड, अनडिजायर्ड, अनडिजायर्ड मतलब कि फालतू के, फालतू के इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो ओर के अंदर, फालतू के इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो ओर के अंदर। चलिए मेटलर्जी में हम लोग पढ़े हैं। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और मिनरल्स और टाइप्स ऑफ ओर, ये स्टेटमेंट पढ़े हैं। और गोंज मैट्रिक्स, होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।